बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। तो कल हमने 6.3 और 6.4 ये दो न्यूमेरिकल किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम 6.5 वाला और 6.6 वाला करेंगे। देखते हैं गिवन डाटा में आपको क्या उसने दिया हुआ है, समझे पहले बात को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। On reaching the top of the slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and its bicycle is the 40 kilogram. समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि कंसीडर करें ये आपके पास एक स्लोप है और साइकिलिस्ट जो है वो इस पॉइंट पे उस साइकिलिस्ट की जो बात हो रही है, ये साइकिलिस्ट इसकी हाइट है 6 मीटर की फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। टॉप पे इसकी हाइट 6 मीटर है इस साइकिलिस्ट की। इस साइकिलिस्ट की स्पीड दी है उसने, वो कहता है स्पीड इसकी है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो बताएं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये दो काम आपने करने हैं, ठीक होगी बात। जबकि इसका मैस उसने दिया है, मैस इसका और बाईसाइकिल का है 40 किलोग्राम। सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा 6.5 है, आसान है। जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल 6.4 वाला किया था बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे आपको एच फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एच इसने दिया है, ये उससे आसान कह लें आप। तो देखें मैस कितना है साइकिलिस्ट का, 40 किलोग्राम। चलें जी, मैस आ गया। वेलोसिटी कितनी है जी, स्पीड कितनी है साइकिल की, 1.5 मीटर पर सेकेंड। लें स्पीड भी हो गई। आपको कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, बॉटम से 6 मीटर हाई है। तो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें और आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, दो काम आपने करने हैं। आसान काम बिल्कुल आपके सामने अभी करूंगा मैं। मेरी बात को गौर से सुने और समझें, इंशाल्लाह समझ आएगी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो करें इसको सॉल्व। 1/2 मास कितना है, 40 किलोग्राम, वेलोसिटी 1.5 का स्केयर। तो ये तो क्या इसके साथ आ गया 20, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 1.5 का स्केयर आ जाएगा आई थिंक 2.25। आपने कैलकुलेटर से कर लेना इसको अच्छे तरीके से। जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने 1.5 का स्क्वायर कर लेना है। 2.2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ तो आंसर आ जाएगा आपका 45 जूल। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक होगी बात। काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब क्या कैलकुलेट करनी थी आपने, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कितना है 40, g की वैल्यू 10 होती है और h भी गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 400 हो गया। तो 400 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2400 जूल। दैट इज द पोटेंशियल। आसान तरीन यही आपके पास रिक्वायर्ड था और आंसर आप देख सकते हैं कि यही आंसर है दोनों के, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट देखें, अगला न्यूमेरिकल चेक करें 6.6। आसान तरीन न्यूमेरिकल है, आप मेरी बात को गौर से समझेंगे तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 6.6 देखें। अ मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर है, मोटर बोट है और वो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की इतनी आहिस्ता स्पीड के साथ। लें वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन है ये। तो आप फोर्स कह लें कितनी लग रही है इसके ऊपर, 4000 न्यूटन। सही होगी बात। कैलकुलेट दी पावर ऑफ इट्स इंजन। आपने इसके इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है। अब पावर क्या होती है, पावर तो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पी कैलकुलेट करना है ना आपने, पी कैलकुलेट करना है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क नहीं है आपके पास, वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप उसका फार्मूला लगाएंगे W is equal to F S। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे तो S भी नहीं है। देखें ना, आपने कहा पावर होता है P is equal to W over T, ठीक है, W over T। P is equal to W होता है F S over T के। क्लियर है ये बात, F S over T। अब यहाँ पे आपके पास F तो है लेकिन आपके पास S नहीं है। F तो है लेकिन आपके पास S नहीं है। S को कैलकुलेट कर सकते हैं आप, S को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी आपको वही जो है वो पहले वाला काम जो आपने पीछे एक न्यूमेरिकल में किया है, आप वहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन लगाइएगा, आप S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब S की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो S की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। अब टाइम नहीं है तो टाइम का क्या करेंगे, फिर डेफिनेटली आप टाइम के लिए फिर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे V is equal to S over T से टाइम। जब टाइम आ जाएगा तो आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करके आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने तरीका बता दिया कि आप ऐसा करें कि आप पहले S को कैलकुलेट करें। ये देखें, S को कैलकुलेट कौन सी इक्वेशन से करेंगे, आप S को कैलकुलेट करके आप सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, वहाँ से आप S कैलकुलेट कर लीजिएगा। वेलोसिटी गिवन है, A की जगह आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेनी है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। S कैलकुलेट जब कर लेंगे तो S कैलकुलेट करने के बाद आपके पास T नहीं आएगा, तो T को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाइए S over T वाला। जब S कैलकुलेट यहाँ हो चुका होगा, V भी है, S भी है, तो T भी आ जाएगा आपके पास। और फिर F की वैल्यू आपके पास है, S भी आपने फाइंड कर लिया, T भी फाइंड कर लिया, वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपके पास पावर आ जाएगी। ये आपका न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ होमवर्क है, इसको अच्छी तरीके से आपने करना है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में, यहाँ इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं होगा आपसे तो मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट करवा दूंगा, लेकिन आसान है जैसे मैंने बताया है, अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है 6.7 एंड 6.8 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।